Good morning, everyone. Welcome back to my channel. My name is Kavya and thank you for tuning in. गुड मॉर्निंग फ्रॉम माई साइड एज वेल. और जैसा कि आप लोग जानते हो कि काव्या की तबीयत ठीक नहीं है. शी इज़ डाउन विद इन्फ्लुएंजा ए. उसकी मेडिकेशन चल रही है एंड शी इज़ होम सिंस पास्ट वन वीक. तो पूरे दिन ना काव्या को बिज़ी रखना थोड़ा सा मेरे लिए आजकल मुश्किल हो रहा है, बट उसको बहुत मज़ा आता है मेरे साथ काम करने में, स्पेशली इन द किचन. सो सुबह की शुरुआत हो गई है. कवीश स्कूल जा चुका है और यहाँ पे मैं और काव्या बना रहे हैं ग्रिल्ड चीज़ सैंडविच. तो उसके लिए मैंने वेजिटेबल्स चॉप कर ली थी एंड काव्या मेरी हेल्प करा रही है यहाँ पे. शी इज़ स्प्रेडिंग चीज़ ऑन द ब्रेड स्लाइस. और काफ़ी इजी सी रेसिपी है. हम लोगों ने यहाँ पे वेजिटेबल्स के नाम पे सिर्फ टमाटर, प्याज और कैप्सिकम लिया है और उसके अंदर मैंने ऐड किया था नमक और काली मिर्च पाउडर एंड गार्लिक और हर्ब का जो मिक्स मेरे पास रखा हुआ है वो. एंड बस चीज़ स्प्रेड करके और उस पर वेजिटेबल्स डाल के आई विल ग्रिल द सैंडविच. सो ये वीक से जो है मेरा रूटीन बिल्कुल ही चेंज हो गया है. सुबह काव्या देर से उठती है, पहले अपने आप 6 बजे उठ जाती थी, बट अभी फ़िलहाल के लिए हमने उसका अलार्म ऑफ किया हुआ है सो दैट शी कैन टेक रेस्ट. और जो मेडिकेशन पे वो है उससे थोड़ी बहुत जो है ना नींद ज़्यादा आती है, तो वी वॉन्ट हर टू टेक रेस्ट, पर वो दिन में बिल्कुल रेस्ट नहीं करती है. वो मस्त टीवी देखती है आराम से सोफे पर लेट के अपने पापा जैसे. एंड बहुत ही मतलब वीकनेस तो काफ़ी है, इन्फ्लुएंजा ए है, सो शी इज़ प्रिटी वीक. बट स्कूल की मैंने उसको 1 हफ्ते की पूरी छुट्टी करा दी है. और वैसे भी उनके स्कूल में ना अभी कोई फंक्शन था, तो 3 दिन उनका वैसे भी उन फंक्शन में ही जा रहा था. वो सिर्फ 1 दिन पार्टिसिपेट कर रही थी, जो उसने किया नहीं वो कर ही नहीं पाई बेसिकली. एंड 2 दिन उनकी थर्सडे एंड वेंसडे जो है उनकी छुट्टी थी. कमिंग बैक टू द सैंडविच, यहाँ पे काव्या ने अपने सैंडविच में इतनी सी 1 चम्मच टाइप की वेजिटेबल्स लगाई. सो देन आई टोल्ड हर कि नहीं, एंड शी इज़ स्टॉपिंग मी कि भाई मत लगाओ. एंड आई एम टेलिंग हर द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेबल्स एंड हेल्दी फूड. पता हो इनको सब कुछ है, इवन कवीश को ये सब पता है कि क्या हेल्दी है क्या जंक है, बट स्टिल दे विल ईट वॉट दे वॉन्ट टू ईट. आजकल तो कवीश मुझे कहता है आई नो चॉकलेट इज़ जंक बट आई विल ईट जंक. तो इस तरीके से वो आजकल बातें करने लग गया है. नाउ दैट ही इज़ ग्रोइंग अप, उसका काफ़ी उसकी वोकैबलरी बढ़ रही है स्कूल में एंड ऑल ऑफ दैट. सो यहाँ पे हम लोग रुकेंगे जो सैंडविच भी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो ही गए. मुझे जो है ये सैंडविचेस बहुत ज़्यादा नहीं पसंद. आई लाइक बटर सैंडविच मोर देन चीज़ सैंडविच. और यहाँ पे काव्या को जब मैंने ब्रेकफास्ट दिया तो उसने हार्ट शेप में केचप डाला एंड शी वाज शोइंग मी एंड हगिंग मी, थैंक यू मामा फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी. काव्या इज़ एन अडोरेबल चाइल्ड. वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है. जो लोग उससे मिले हैं आई एम श्योर दे विल अग्री विद मी. और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कॉफ़ी फॉर कनाल. उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, सो बस यहीं पे हम लोग सेवा में लगे हुए हैं दोनों की. सो यहाँ मैंने सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया है एंड नाउ आई विल गो एंड डू माई डेली रूटीन. और सिंस काम थोड़ा सा बढ़ गया है, काव्या घर पे है, तो मेरा घर भी ना आजकल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है. आई डू नॉट गेट टाइम फॉर माई सेल्फ और टू क्लीन द हाउस रेगुलरली. वरना जब बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं ना, उसके बाद मेरा पहला काम यही होता है कि मैं जो भी चीज़ें हैं वो जगह पे रख दूँ. एंड आज तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. इनफैक्ट पिछले हफ्ते ही मैं कुछ भी नहीं कर पाई और मुझे भी काफ़ी हेडेक हो रहा था. सो आई थॉट आई विल स्टैंड इन द बालकनी इन फ्रेश एयर फॉर सम टाइम. तो मैंने सोचा काम करेंगे बाद में, पहले अपने ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं. सो यहाँ पे थोड़ी देर बाहर मैं खड़ी रही एंड ऑल्सो लेट मी शो यू द व्यू फ्रॉम आर बालकनी. उधर कहीं दूर जो है बुर्ज खलीफा दिखता है जब मौसम साफ होता है, जब बारिश हुई भी होती है ना तब दूर से बुर्ज खलीफा दिखता है एंड इट इज़ ब्यूटिफुल. काफ़ी मौसम साफ हो तो बहुत ही सुंदर दिखता है. और ये है सामने सूक एक्स्ट्रा.
सो आप लोगों में से कई लोग मुझसे जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं बेसिकली उन लोगों ने से पूछा था कि दैट यू रिपीट योर क्लोथ्स अ लॉट, आपके व्लॉग्स में हम बहुत रिपीटेड क्लोथ्स देखते हैं. तो हाँ गाइज, मैं बहुत ज़्यादा रिपीट करती हूँ अपने कपड़े. आई हैव अ लॉट ऑफ क्लोथ्स दो, बट मेरे कोई भी ऐसे कपड़े नहीं होते जो ट्रेंडी हों, बिल्कुल ट्रेंड में चल रहे होते हैं. वो कपड़े मैं कभी नहीं खरीदती. आई ऑलवेज बाय जो बेसिक यू नो वार्डरोब होता है, ब्लैक टी शर्ट्स, वाइट टी शर्ट्स या इस तरीके के सॉलिड कलर के कपड़े. और मेरे ड्रेसेस भी ऐसे होते हैं जो विच आर एवरग्रीन. ऐसा नहीं है कि उनका ट्रेंड है और कल चला जाएगा. सो उस वजह से जो है मैं कभी भी कपड़े रिपीट करने में शर्माती नहीं हूँ, बिकॉज दे आर क्लासिक्स. सेकेंडली, मैं हमेशा से ऐसी थी. व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो तब भी मेरा यही हाल था, जो चीज़ ट्रेंड में होती थी वो मैं कभी भी नहीं खरीदती थी. और आई रिमेम्बर जब वो बंटी और बबली आई थी एंड ऑल द गर्ल्स अराउंड वर वेयरिंग दैट स्टूपिड छोटा सा कुर्ता एंड पटियाला सलवार, और मुझे वो देख के इतनी चिढ़ मची थी. एंड पीपल वर फेड अप ऑफ यू नो सीइंग एवरी गर्ल वेयरिंग द सेम क्लोथ्स. तो बस मेरे पास एक भी नहीं था एंड नीदर वॉज आई विलिंग टू बाय ऑल ऑफ दैट. तो यही है यार, मेरे कपड़े जो हैं वो बहुत बेसिक होते हैं एंड काफ़ी मैं चलाती भी बहुत हूँ, पहनती भी बहुत हूँ, और जब ख़राब हो जाते हैं तो आई पुट देम इन द डोनेशन बॉक्स या फिर डिस्कार्ड कर देती हूँ. सो यहाँ पे जो है कविश को लेने का टाइम हो गया था, और ये जो मर्मेड है ना, इस पे सूरज की रोशनी आ रही थी तो काव्या को ऊपर स्टार्स दिख रहे थे, शी वॉज़ वेरी हैप्पी. तो हम लोग आ गए हैं कविश को यहाँ पे लेने, और आधा दिन हमारा बस इसी चीज़ में निकल जाता है. इधर काम किया, उधर काम किया, खाना बनाया, खाना खाया, एंड दैट इज़ इट. तो यहाँ पे मेरे दोनों बच्चों की आदत है, जब भी मिलते हैं दे हग ईच अदर अ लॉट. और इसकी कविश की पता नहीं क्या शुरू से आदत है, जैसे ही ये घर आएगा ही वॉन्ट्स टू चेंज हिज क्लोथ्स. मतलब हाथ भी नहीं धोता है, सबसे पहले इसको जो है अपने कपड़े चेंज करने होते हैं. और पहनना क्या होता है? ब्लू. कोई और कलर इसको अगर पहनाना हो तो मेरे लिए इतना बड़ा टास्क हो जाता है इसको कन्विंस करना कि भाई दूसरे कलर्स भी होते हैं माथुर साहब, पहन लो. तो यही है इसका, अपनी मर्जी के मालिक हो गए आजकल. तो यहाँ पे यार खाना बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था मेरा, और सबका था दवाइयाँ खा खा के मुँह कड़वे हो गए थे. तो हमने यहाँ पे कुलचा किंग से बहुत ही अमेजिंग खाना ऑर्डर किया, और खाना खाने के थोड़ी देर बाद मैं आ गई थी मेरे रूम में, और काव्या बाहर अभी बैठ के टीवी देख रही है, इफ़ यू कैन सी. और हाँ, अभी ना मैंने कुछ दिनों से इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी शुरू करी है, 16:8 की 16 hours ऑफ फास्टिंग, और बाकी बचे 8 hours में वट एवर आई वॉन्ट टू ईट आई ईट. तो मैंने खाने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा है, आई ईट एवरी थिंग. आई हैड एन आइसक्रीम ऑल्सो, बट हाँ टाइम फ्रेम जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के हिसाब से करी हूँ. ऑल दो शुगर नहीं खानी चाहिए, बट आई हैड वन डे. सो यहाँ पे बस इवनिंग का टाइम हो चुका है एंड आई एम बैक इन द किचन. मैं किचन को साफ करने आ गई थी बेसिकली. नाउ एज आई टोल्ड यू कि यार बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, और ना मेरा मन भी नहीं कर रहा था काम करने का, बिकॉज इवन आई वॉज कॉफिंग. तो यहाँ पे मैं जो है किचन का सारा सामान अपनी अपनी जगह पे वापस रख रही हूँ, क्योंकि अभी ग्रोसरी आई वो भी ऐसे ही सामने ही बाहर बाहर रखी हुई थी एंड ऑल ऑफ दैट. तो यहाँ पे जो है मैं पैंट्री में सारा जो भी बिस्किट्स कुकीज़ वगैरह हम लोग लाए थे वो सारा रख दिया है मैंने. एंड ऑल्सो ना अभी मैंने रिसेंटली ये चीज़ शुरू करी है कि मैंने एक टब खरीद लिया है, उसके अंदर मैं सारे यूज्ड बर्तन डाल देती हूँ एंड देन आई पुट इट आउट इन द बैल्कनी. तो उससे क्या होता है किचन थोड़ा सा साफ लगता है और थोड़ा हल्का लगता है, वरना घुसते से ही आपको क्या मेरे किचन का सिंक दिखता है, बर्तन दिखते हैं, और फिर मेरा माथा ठनक जाता है यार कितने बर्तन हो रहे हैं घर में. बर्तन ना भी हों तो सिंक इतना छोटा है कि उसमें 4 बर्तन रखते से ही वो इतना भर जाता है कि बस. सो बस किचन क्लीन करने के बाद हम लोगों ने डिनर कर लिया, और डिनर के बाद हम लोग बैठ जाते हैं, एक गेम है सीक्वेंस, वो खेलने. सीक्वेंस इतना अमेजिंग गेम है ना, टीवी देखने से तो 1000 गुना बेटर है फॉर फैमिली एंटरटेनमेंट. तो बस हम लोग आजकल सीक्वेंस खेलते हैं और उसके बाद बस सो जाते हैं. सो यहीं तक था आज का व्लॉग. आई होप यू एंजॉयड इट, एंड इफ़ यू डिड प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर नहीं किया है अभी तक. तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जयराम जी की.